जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे भर्ती रैली का आयोजन किया है, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जो जनरल ड्यूटी GD के लिए निकली हुई है, अलग अलग कलर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। बहुत ही बड़ी ये भर्ती रहेगी और ये आर्मी भर्ती रैली रहेगी, जहाँ पे कि आपको बहुत ही अच्छी खुश अपॉर्चुनिटी है आप इंडियन आर्मी से जुड़ने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल प्रोवाइड करूंगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या इसमें मांगा गया है और क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो भर्ती रैली है ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, तो ये यारो गया रैली भर्ती, जो कि फरवरी 2020 में होगी। और अगर आप गया से अलावा कहीं और से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारी भर्ती रैलियाँ निकली हुई है इंडियन आर्मी में। जैसे आर्मी रिक्रूट, ये राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रोहतक के लिए है, ये रैली अलग अलग जगह के लिए है। तो आज मैं जिस वैकेंसी भर्ती रैली के आपके बारे में बताने वाला हूँ, उस भर्ती रैली का मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया के लिए ये वैकेंसी निकली है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मैन, यहाँ पे बिहार मिलिट्री पुलिस 3 ग्राउंड BMP 3 बोधगया डिस्ट्रिक्ट गया में ये भर्ती होगी, भर्ती रैली होगी, जो कि 4 फरवरी 2020 से 18 फरवरी 2020 तक चलेगी। तो अभी जैसे कि आप जानते हो कि अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद आप भर्ती रैली में जा सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा। इसके जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये 6 दिसंबर 2019 को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरे जाएंगे वो 6 दिसंबर 2019 से शुरू हो चुके हैं और 19 जनवरी 2020 तक इसके आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की जो मैंने साइट आपको दिखाई थी, इसमें इंडियन आर्मी में जाके आपको ये अपना फॉर्म भरना है, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करके करना होगा। तो ये आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे आपको भेजा जाएगा। 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड में जो डिटेल, वेन्यू की डिटेल मैंने ऊपर बताई, यहाँ पे ये रैली होगी तो वो आपके एडमिट कार्ड में भी होगी, वहाँ पर जाके आपको रैली में, आप वहाँ पर भर्ती रैली में जा सकते हैं। तो बात करूँ मैं इस भर्ती रैली की डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जैसे सोल्डर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एज मांगी गई है 17.5 से 21 साल तक की एज मांगी गई है, और इसमें हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर मांगी गई, और वेट आपका 50 केजी होना चाहिए, और जो चेस्ट है आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है, आप 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट अपनी फुलानी होगी, और जो इसमें मांगा गया है 12th पास यहाँ पे मांगा गया है 45 मार्क्स, और आपका 33% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप JD के लिए है तो 10+2 यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और इसमें कोई वो नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 10+2 किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे शोल्डर टेक्निकल के लिए निकला है, जिसमें कि एज 17.5 से 23 साल तक होगी, और इसमें हाइट भी 169 सेंटीमीटर मांगी गई है, सेम मांगी गई है, इसमें आप 10+2 मांगे गए हैं, जिसमें कि आपको इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आपका पास हो, आप साइंस स्ट्रीम से आपके पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट और वेनेटरी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें भी एज 17.5 से 23 साल मांगी गई है, और जो हाइट और चेस्ट और वेट है वो सेम रहेगा, 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी, 50 केजी आपका वेट, और वो जो चेस्ट है आपकी वो 77 आपकी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है। तो इसमें एजुकेशन की बात करूँ मैं, इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए साइंस स्ट्रीम से, जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एवरेज सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। और बात करूँ मैं शोल्डर कलर की, जिसमें कि स्टोर कीपर है, टेक्निकल ऑल आते हैं, तो इसमें 17.5 से 23 साल मांगा गया है, यहाँ पे हाइट थोड़ी कम मांगी गई है, 162 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है, तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 50 केजी वेट और बाकी सारे डिटेल सेम होंगी। यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, और इसमें जो आपसे मार्क्स मांगे गए 60% मार्क्स आपके होने चाहिए,
टोटल मार्क्स और मिनिमम 50% मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में यहाँ पे होने चाहिए। और जो सोल्डर ट्रेड्समैन है जो कि ऑल आर्म्स के लिए यहाँ पे है, तो ये सबसे अच्छी पार्ट ये है कि आप अगर 12th पास नहीं, आप 10th पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज मांगी गई है 17.5 से 23 साल मांगी गई है। हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर, 50 kg आपका वेट, 77 आपका जो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो अगर आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे सोल्डर ट्रेडमैन के लिए अलग से पोस्ट निकाली गई है। ट्रेड्समैन में काफ़ी सारे ट्रेड्स आते हैं, जैसे हाउसकीपिंग, स्वीपर, बारबर, कई सारे पोस्ट होती है जो आर्मी में होती है, तो अलग अलग ट्रेड्स के लिए होगी। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड्स के लिए, ऑल आर्म्स ट्रेड्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो बात करूँ मैं यहाँ पे एज जो मांगी गई है 17.5 से 23 साल यहाँ पे मांगी गई है। और आप क्लास 8th अगर पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, जो हर जगह मिलता है, लेकिन आर्मी में नहीं मिलता है। आर्मी में कास्ट के हिसाब से नहीं मिलता है। आर्मी में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या सर्विसमैन हैं या वार विडो सन हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें कास्टिज्म के हिसाब से रिलैक्सेशन नहीं मिलता, अगर आप इसमें दूसरे हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन आप देख रहे हैं, 2 सेंटीमीटर हाइट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा और चेस्ट का 1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए यहाँ पे 5 kg वेट में रिलैक्सेशन है, 3 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट में है, 2 सेंटीमीटर हाइट में है। और ये जो यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड इज एदर फॉर वर्ड सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, फॉर स्पोर्ट्समैन, ठीक, ये अलग से लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो मांगा गया जो टेस्ट आपका होगा, आपका यहाँ पे टेस्ट भी यहाँ पे रहेगा। तो फिजिकल टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रन आपका रहेगा, जो कि आपको 5:30 में आपको ग्रुप वन में, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं जिसके आपको 60 मार्क मिलेंगे, तो आपको 5:30 में ये पूरा करना होगा। अगर आप ग्रुप सेकंड में, अगर 5:31 से 5:45 के अंदर आप अपनी दौड़ पूरी करते हो, तो इसको आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। बाकी यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट होगा, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें होती है रैली में, जिसमें कि आपके सारे चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो गए आपके। और साथ में रिटर्न टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका जो भी चीज़ें होती है उसमें, तो वो आपका टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। और बाकी जो डिटेल है, एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा, फोटोग्राफ आपको अपने पास रखने, 20 कॉपीज़ अपने पास रखनी होगी, और एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके चलना हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह जो भी हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी अगर आप कुछ चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल इसमें है, जैसे करेक्टर अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये आप एक बार नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ के देख सकते हैं। और अगर NCC का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे कुछ आपको उसको पॉइंट मिलते हैं। तो आर्मी का जो प्रोसेस है, आपका इसमें जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आपके जो मार्क्स बनते हैं, जैसे आपका फिजिकल टेस्ट के मार्क्स आपके, तो इसके मार्क्स के हिसाब से मेरिट टाइप की आपकी बनती है, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। और ये डिटेल जो यहाँ पे मांगी गई है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे अपडेट चेक कर सकते हैं इंडियन आर्मी की साइट्स पे, जिसमें कि पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसमें अपने जो जो डिटेल मांगी गई वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। सीधे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जहाँ आप अपनी डिटेल भरते हैं। तो आप जब अपनी हाइट, अपनी जो भी डिटेल आप उसमें रखेंगे, जब अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ आप सही डालिए, क्योंकि उसमें अगर आप गलत डालते हैं, तो वो आप उस टाइम तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाद में रिजेक्ट आप हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आप फिर से डाल सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया, आपके मैं यहाँ पे, आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, जितने हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, इस रैली के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अकाउंट में रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी डिटेल वहाँ फिल होती है, और फिल करने के बाद आपके पास वहाँ पे एप्लीकेशन के बाद जो नोटिफिकेशन की, यहाँ पे एक राइट कॉर्नर में एक एप्लीकेशन अप्लाई का लिंक होगा, वो अप्लाई एलिजिबिलिटी चेक जब आप करते हैं, अपनी हाइट, अपनी एजुकेशन सब कुछ डालेंगे, तो आपके हिसाब से आपको जॉब दिखा देगा। जैसे कि आप 8th पास हैं,
या 10th पास हैं, तो आपका एप्लीकेशन वो फिर ट्रेड्समैन में यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी इजी प्रोसेस है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और जो लोग आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। काफ़ी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जॉब होती है इंडियन आर्मी की, और सबसे अच्छी बात है जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। तो आपके लिए साथ ही साथ मैंने जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके सारी डिटेल ले सकते हैं। और आपके लिए मैंने मोबाइल एप्लीकेशन इसका लॉन्च किया है ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल का, तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़ वहाँ पे। और सारी, जिससे कि आपको सारी जो गवर्नमेंट जॉब की डिटेल होंगी आपको एक ऐप पे मिल जाएंगी। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।